रुक लेते इस बिचारे बड़ी खबर का अलवर से। ये बड़ी खबर है जहां पर धड़ल्ले से सिंगल यूज प्लास्टिक बिक रही है। नगर परिषद टीम की कार्रवाई नाकाफी साबित हो रही है। नगर परिषद ने इस माह 8 कार्रवाई करते हुए 120 किलो सिंगल यूज प्लास्टिक जब्त किया है। शहर में व्यापार संघ और विभिन्न संगठनों द्वारा भी सिंगल यूज प्लास्टिक नहीं लेने के लिए कैंपेन चलाया गया है। और एक और बड़ी खबर, यूपीए का उपराष्ट्रपति उम्मीदवार तय हो गया है। मार्गरेट अल्वा पर यूपीए की मोहर लगी है। मार्गरेट अल्वा को उपराष्ट्रपति उम्मीदवार घोषित किया गया है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, यूपीए की ओर से भी उपराष्ट्रपति उम्मीदवार के नाम की घोषणा कर दी गई है। मार्गरेट अल्वा पर यूपीए ने मोहर लगवा दी है और मार्गरेट अल्वा को उपराष्ट्रपति उम्मीदवार घोषित कर दिया गया है। तो उपराष्ट्रपति उम्मीदवार की घोषणा कर दी गई है। यूपीए की ओर से ये बड़ी घोषणा की गई, मार्गरेट अल्वा के नाम पर मोहर लगा दिया गया है। यूपीए की ओर से मार्गरेट अल्वा के नाम की घोषणा की गई है उपराष्ट्रपति उम्मीदवार के लिए। तो अब से कुछ ही समय में उपराष्ट्रपति के चुनाव होने हैं, जिसे लेकर तमाम पार्टियां अपने अपने उम्मीदवार घोषित कर रही है। इस बीच ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, यूपीए ने भी अपने उपराष्ट्रपति उम्मीदवार के नाम की घोषणा कर दी है और मार्गरेट अल्वा पर मोहर लगा दी गई है। मार्गरेट अल्वा को उपराष्ट्रपति उम्मीदवार घोषित किया गया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर, बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं। उपराष्ट्रपति उम्मीदवार को लेकर तमाम पार्टियां अपने अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर रहे हैं। इस बीच ये बड़ी खबर, यूपीए की ओर से भी उपराष्ट्रपति उम्मीदवार के नाम की घोषणा कर दी गई है और मार्गरेट अल्वा को उपराष्ट्रपति उम्मीदवार घोषित किया गया है। तो यूपीए ने मार्गरेट अल्वा का नाम सामने लाया है और मार्गरेट अल्वा को उपराष्ट्रपति का उम्मीदवार घोषित किया है। और रुक लेते हैं इस बीच और एक और बड़ी खबर का, करौली से। ये बड़ी खबर है जहां पर प्लास्टिक बैन का असर नहीं दिख रहा। खुलेआम दुकानों में प्लास्टिक बिकता हुआ नजर आ रहा है। प्लास्टिक की थैलियां बेची जा रही हैं, ग्राहक भी मांगने से गुरेज नहीं कर रहा है। पॉलिथीन के खिलाफ नगर परिषद प्रशासन द्वारा नाम मात्र की कार्रवाई की जा रही है। तो प्लास्टिक को बैन किया गया है, सिंगल यूज प्लास्टिक को, इसके बावजूद भी करौली में इसका असर देखने को नहीं मिल रहा है। खुलेआम दुकानों पर प्लास्टिक बिक रही हैं, ग्राहक भी प्लास्टिक की थैलियां मांग रहे हैं और दुकानदार बड़े आराम से प्लास्टिक की थैलियां ग्राहकों को मुहैया करा रहे हैं। तो पॉलिथीन के खिलाफ नगर परिषद प्रशासन नाकाफी साबित हो रहा है। प्रशासन की ओर से कार्रवाई देखने को नहीं मिल रही।